आप सब लोग घबराइए नहीं, आप शहंशाह के सामने खड़े हैं। क्या आप में से किसी ने दानव जैसे इंसान को देखा? बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान है वो। वो बात नहीं करता, केवल गुर्राता है। क्या आप में से किसी ने उसकी आवाज सुनी है? हमने उसकी झलक देखी थी हुजूर। उसे ढूंढने के लिए जंगल गए थे हुजूर, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। तो फिर उसका पीछा क्यों नहीं किया, वापस क्यों लौट आए? हुजूर बहुत बड़ा जंगल है, कहाँ कहाँ ढूंढते। जब हम थक गए तो वापस लौट आए, और हो सकता है कहीं और चला गया हो। कहाँ है वो जंगल? इधर हुजूर। आओ हमारे साथ। हुजूर पिछली बार जब उस दरिंदे ने जुदा बेगम को अगवा किया था तो वो अपने जेवर फेंकती हुई गई थी ताकि हम उन तक पहुंच सकें, मगर इस बार ऐसा कोई भी सुराग नहीं दिखाई दे रहा है। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जुदा बेगम आपसे गुस्सा और आपकी बेरुखी से नाराज होकर आपसे दूर जाना चाहती हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो शरफुद्दीन की जुदा बेगम खुद अपनी मर्जी से गई है उसके साथ? बेशक नहीं हुजूर, ये ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते हम। हम तो बस ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसी बातें ना ही सोचे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा शरफुद्दीन। अब तुम वन क्षेत्र से भी बाहर आ गए। क्या आसपास कोई गांव नहीं? क्या कोई यहाँ नहीं रहता होगा जो हमारी यहाँ से निकलने में सहायता करे, यहाँ से भागने का प्रयास करे? तब भी हमें पता नहीं कि जाना कहाँ है। सुनो खेवर, तनिक हमें ये तो बताओ कि तुम हमें ले कहाँ जा रहे हो? देखो, तुम्हारा हमें साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा शहंशाह अपनी सेना लेकर आएंगे और तुम्हें बंदी बना लेंगे। इससे अच्छा हमारी बात को समझो और हमें जाने दो, और तुम भी कहीं दूर चले जाओ ताकि कोई तुम्हें बंदी ना बना सके। समझ रहे हो ना? से बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई बात नहीं समझते हो तुम, बस जब देखो तब हमारे नाम की रट लगा रहे हो। अब तुम हमारा नाम मत लेना, हमें पता है कि हमारा नाम जोधा है। स्पर्श भी मत करना। हमने कहा नहीं नहीं। बहुत पीड़ा हो रही है, हमें उस समय इसका दिया हुआ फल खा लेना चाहिए था। परंतु ऐसा करते तो ऐसे लगता हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। परंतु ऐसा भी कब तक चलेगा? भूखे रहे तो बालकों के लिए ठीक नहीं होगा। आ, 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 आ।